लस्सी हमारी बन चुकी है। अब तो फ्रेंड्स ठंडी ठंडी लस्सी जो है तैयार है, और जो हमारा कल का ब्लॉग था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैंने आपको बोला था मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग, तो हेयर ऑयलिंग से पहले जो कल का काम किया था उसके बाद मुझे लगने लग गई थी गर्मी, तो मैं लेके आ गई हूँ लस्सी बना के। और पहले लस्सी पीऊँगी, फिर जो है हेयर ऑयलिंग करूँगी, उसके बाद कुछ और काम करूँगी थोड़ा, फिर हेयर वॉश करूँगी, हेयर कॉम्बिंग करूँगी। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले जल्दी जल्दी आप लोग भी ठंडी ठंडी लस्सी पी लीजिए, क्योंकि गर्मी में है ना तन को और दिमाग को दोनों को ठंडा रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि 2 ग्लास और 1 कुल्हड़ क्यों है, तो ऐसा नहीं है, मैंने 2 ही ग्लास निकाल रखे हैं क्योंकि शौर्य तोड़ देता है तो इस वजह से, और 2 ग्लास निकाल रखे थे तो मैं कुल्हड़ भी लेके आ गई हूँ। तो देखते हैं, तीनों अभी घर पे ही हैं हम लोग, तो चलिए लस्सी पीते हैं। शौर्य के मूछें बन गई, आ गई है आपके तो अभी से। फ्रेंड्स लस्सी पीने के बाद जो है मैं ले आई हूँ ऑयल, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद जो है मुझे हेयर वॉश भी करने हैं, तो ऑयलिंग करूँगी पहले बालों में, फिर थोड़ा सा घर का काम करूँगी और फिर जो है हेयर वॉश करूँगी। तो ज़्यादा ऑयल जो है नहीं लगाऊँगी बालों में, इतना ही ऑयल लगाऊँगी। देखिए मतलब आप लोग सोच रहे होंगे शायद मैंने ऑयल लगा रखा है बालों में, पर देखिए बाल जो है पसीने से कैसे हो गए हैं, काफ़ी जो हैं ऑयली ऑयली से हो गए हैं। तो क्लेचर जो है, क्लेचर को भी सर रख देती हूँ। फ्रेंड्स मैं जो है ना मतलब ऐसे ऑयल लगा के बालों को नहीं रखती हूँ गर्मियों में, तो कि मेरे बालों में जो ना बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो स्मेल हो जाती है बालों में और बहुत गंदी सी स्मेल आती है, और डेली जो है मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती। तो मैं जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ ना उससे 1-2 घंटे पहले या 1 दिन पहले नाइट में है जो लगा लेती हूँ, तो नाइट में जो है मैंने नहीं लगाया था, भूल गई थी, तो अभी लगा रही हूँ। और लगाने के बाद कुछ घर का काम कर लूँगी, 1-2 घंटे का गैप हो जाएगा, फिर हेयर वॉश कर लूँगी। तो यही तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगता है गर्मियों में। हेयर ऑयलिंग तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई और करने वाला हो ना, तो काफ़ी अच्छे से जो है हेयर ऑयलिंग होती है और साथ ही हेड मसाज भी बड़ी अच्छे से हो जाती है। और फ्रेंड्स देखिए बाल भी जो है किस तरह से रियल साउंड होता है ऑयलिंग करते हैं तब। अब मैं दोनों हाथों से करूंगी क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि काफी लेट हो गई हूँ पहले ही। फ्रेंड्स मैं जो है नहा के आ गई हूँ और हेयर ऑयलिंग के बाद जो है मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो अब जो है मैं कर लेती हूँ अपना थोड़ा सा टचअप, क्योंकि नहाने के बाद जो है मैंने कुछ भी अभी नहीं लगाया है, तो थोड़ा सा क्रीम लगाऊंगी और डेली जो मेकअप करती हूँ वो करती हूँ।
फ्रेंड्स, मैं जो है तैयार हो चुकी हूँ और अभी जो है बालों को मैं ड्राई अभी नहीं करूंगी। अभी मैं जो है बाहर जाऊंगी और बाहर जाके जो है पहले भगवान की पूजा करूंगी, भगवान को नहलाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर जो है हेयर ड्राई एंड कॉम्बिंग करूंगी। तो आज का जो ये ब्लॉग है उसमें आपकी दो रिक्वेस्ट मैं पूरी करने जा रही हूँ। एक तो दो क्या तीन ही कह लीजिए, हेयर ऑयलिंग की रिक्वेस्ट भी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी और हेयर ड्राई एंड कॉम्बिंग की जो है काफ़ी आप बोल रहे थे। और साथ ही जो मेरे एक व्यूवर्स हैं उनकी बहुत ही प्यारी और छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, वो बोल रहे थे कि मैम आप जो है बिंदी बहुत छोटा लगाती हैं, प्लीज़ थोड़ा सा बड़ा बिंदी लगाइए। तो देखिए ऐसी जो जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है उन्हें पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए बिंदी तो मैं बड़ी भी लगाती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें थोड़ी बड़ी बिंदी लगाती हूँ। तो आपने बोला है तो चलिए मैं लगा लेती हूँ। तो ये छोटी बिंदी जो है वैसे मैं छोटी ही लगाती हूँ, तो इसे यहाँ लगा देती हूँ और देखिए ये बड़ी बिंदी मैंने लगा ली। और इससे बड़ी बिंदी जो है मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी, आप देखिएगा। फ्रेंड्स, भगवान को मैंने नहला दिया है और कपड़े पहना दिए हैं, तो चलिए अब करते हैं भगवान की पूजा और पल्लू सर पे रख लेती हूँ। ओम महाकाय सूर्यकोटि समस्त भार निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सब भी चंदन लगा लीजिए और मैंने चंदन लगा लिया है। अब करते हैं भगवान का थोड़ा सा श्रृंगार। तो ये भगवान कृष्ण की प्रिय है बांसुरी, ये है माला और ये है मोर मुकुट। देखिए रियल तो नहीं है पर फिर भी इसमें मोर का मुकुट जो है लगा हुआ है। तो ये है मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल और छोटा ही है मंदिर, इसमें तस्वीर काफ़ी सारी रखी हुई है मैंने, तो छोटा लग रहा है, वैसे जो है इतना छोटा नहीं है पर फिर भी जो है। और चलिए अब चलाते हैं बत्ती। ये कार्य जो हमने उठाया आपकी की आस से, ऐसी कृपा हो ना था की पूर्ण हो इस दास से, शिशु तेरी शरण है, शुके हैं हम दास तेरे दास का, अब जाए किसके पास। जय हो प्रभु। फ्रेंड्स, मैं जो है पूजा करके आ गई हूँ और साड़ी जो है मेरे सर पे कैसी लग रही है, मतलब मैंने पल्लू ले रखा है तो कैसी लग रही है। और ये वाली साड़ी जो है मैंने फर्स्ट बार पहनी है, ये प्योर कॉटन की बांधनी साड़ी है जो राजस्थान की होती है। बांधनी साड़ी इसे इसलिए बोला जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसको जो है मैं अभी हटा देती हूँ सर से। और ये बांधनी साड़ी इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखिए ये जो चुनरी प्रिंट है ना इसको बांध के किया जाता है। जैसे ये जो छोटे वाले ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं इसमें बाजरे के दाने ऐसे लिए जाते हैं और धागे से इसको बांधा जाता है, और ये बड़े वाले जो ब्लॉक्स हैं ये चने की दाल से बनाए जाते हैं। और आप अगर मुझे चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कैसे इसे करते हैं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर आप लोग पसंद करेंगे तो। इसलिए ये बहुत ही अच्छी बहुत ही कम्फर्टेबल साड़ी है और बन मैंने बना रखा है ये देखिए। और ये वाला जो टावल है वो है हमारा गमछा जिसे बोला जाता है ट्रेडिशनल टावल। तो देखिए टावल जो है काफी गीला हो गया है,
फ्रेंड्स, टावल से तो जो है बाल ड्राई हो चुके हैं, मतलब पानी बालों में से जो है बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अब थोड़ा सा जो है हाथों से ही मैं करूंगी। फ्रेंड्स, हेयर जो है काफ़ी ड्राई हो चुके हैं, तो अब जो है मैं इनको कॉम कर लेती हूँ। सिंपल कॉम से ही जो है मैं कॉम करती हूँ बालों को, और जितने बाल मतलब ऐसे बहुत अच्छे से मैं अभी कॉम नहीं करूँगी इनको, और बहुत धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि गीले बाल होते हैं ना तो उनकी रूट्स जो है ना बहुत कमज़ोर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है टूटती हैं, तो बहुत देखिए धीरे धीरे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है हेयर ड्राई कर लिए हैं, हेयर कॉम्बिंग में कर लिए हैं, बाल जो है अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, तो अभी थोड़ी देर इनको जो है खुला ही रखूँगी, और फिर जो है ना मतलब अभी अच्छा भी लग रहा है, ठंडे ठंडे लग रहे हैं बाल, और जो है अभी तो ऐसे ही रखूँगी, जब बाल अच्छे से सूख जाएंगे ना तो इनका जो है बन बना लूँगी। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है सिंदूर जो रह गई है, और क्योंकि मैंने बालों में जो है गमछा लगा रखा था इसलिए नहीं लगाई थी, तो अब मैं लगाऊंगी, और मैं सूखी सिंदूर ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं लगा रही हूँ सूखी सिंदूर। और अभी जब बाल अच्छे से सूख जाएंगे ना तो लगाऊंगी। और जिस दिन मतलब बाल धोते हैं ना उस दिन जो है मैं पूरी लगाती हूँ, पूरी मांग में जो है उस दिन सिंदूर भरती हूँ, तो अभी बाल गीले हैं इसलिए नहीं भरे हैं, नहीं भरी है मतलब मैंने, और जो है मेरा ये काम हो चुका है, तो जो ब्लॉग है उसे यहीं पर समाप्त करती हूँ। और आशा करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा, और जिनकी भी रिक्वेस्ट थी उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने में मैं कामयाब हुई होंगी। अगर उन्हें लगता है कि उनकी रिक्वेस्ट मैंने अच्छे से पूरी की है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स में, जिससे कि जो है हमारी फैमिली अभी इतनी सी है वो धीरे 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 थोड़ी बढ़े। तो फिर मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो में कल, तो आपकी ऐसी ही प्यारी प्यारी जेन्युइन जो रिक्वेस्ट है वो कीजिए, जिससे हमें भी पूरा करने में अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।